हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग डिजिटल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में। एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप बड़े आसानी से विद इन 15 मिनट्स रेडी कर सकते हैं विदाउट एनी 0% कोडिंग नॉलेज। जी हाँ, विदाउट एनी 0% कोडिंग नॉलेज, एनी 0% टेक्निकल से एक वेबसाइट रेडी कर सकते हैं वो भी 15 मिनट के अंदर नॉलेज, वो भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे लैपटॉप की तरफ, जानते हैं हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करें वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट बनाने से पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है एक डोमेन और होस्टिंग की। तो हमारा पहला स्टेप होगा डोमेन और होस्टिंग बुक करना। डोमेन होस्टिंग बुक करने के लिए हम ओपन करेंगे क्रोम और क्रोम में हम टाइप करेंगे godaddy.com। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमको ले जाएगा सीधा godaddy पैनल पे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपने डोमेन का नेम, सर्च करेंगे, एड टू कार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आएंगे आपको उनको फॉलो करना है। अगर आपको कोई पार्ट इसमें रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। इसमें देखिए हम एक होस्टिंग साथ में लेते हैं और इसको कंटिन्यू कार्ट करते हैं। अब होस्टिंग में आप देखिए डोमेन का जो इन्होंने 2 साल का दे रखा है, इसको अगर आप चाहो तो 2 साल कर सकते हैं, यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके 1 ईयर कर सकते हैं। सेकेंडली सेम एज होस्टिंग के साथ है। होस्टिंग में अगर आपको 12 महीने की चाहिए तो 12 महीने ले लीजिए, अदरवाइज आपको अगर 1 मंथ की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 मंथ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सबसे पहले godaddy के अंदर अपना अकाउंट बनाना होता है। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड, और एक आपका किसी भी 4 अंकों का एक पिन आपको बनाना होता है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ये आपका अकाउंट रेडी हो गया। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने डालनी होती है, जैसे आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, पोस्टल कोड और स्टेट, ये पूरी डिटेल आपको इसमें डालनी होती है। इसको फिल करने के बाद ये आपका सेव कर दिया, ये आपका अकाउंट रेडी हो गया। यहाँ पे आपको अपने पेमेंट डिटेल आपको डालनी होती है। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है आपको, ये आपको पेमेंट करनी है अपने नेट बैंकिंग से। आप इसको चूज करेंगे, डिटेल डालेंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद कंप्लीट परचेज पे जाएंगे, आपको OTP आएगा, OTP डालेंगे, OTP डाल के सबमिट करेंगे, ये आपका डोमेन और होस्टिंग वाला पार्ट आपका कंप्लीट, यानी कि आपने डोमेन होस्टिंग आपकी बुक हो गई। मैनेज पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, एशिया सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये जो आपकी डिटेल है वर्डप्रेस यूजर नेम पासवर्ड, उसको फिनिश करना है। ये आपका प्रोसेस हो गया और इसके थ्रू आप सीधा सी पैनल में एंट्री कर गए। तो सी पैनल आपका ये पार्ट है जहाँ पे आप अपना वर्डप्रेस स्टोर करते हैं। अब सी पैनल के अंदर लॉगिन करने के डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड ये था कि आपने अपना डोमेन बुक करा, सीधा godaddy आपको अपने सी पैनल वाले पार्ट पे ले गया। सेकंड आपका स्टेप है, आप अपने godaddy अकाउंट के अंदर जाएंगे, godaddy पोर्टल ओपन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद जाएंगे माय प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाई देंगे आपके डोमेन्स जो आपने बुक किए थे, और नीचे आपको दिखाई देगा वेब होस्टिंग का पार्ट, जिसमें आप मैनेज में जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में देखिए टॉप पे आपको दिखाई देगा सी पैनल एडमिन, क्लिक करेंगे आपको सीधा आपका सी पैनल वाले पार्ट में ले आएगा। सी पैनल ओपन करने का एक डिफरेंट मेथड और है, आप गूगल में नया ब्रोशर खोलेंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे आपकी वेबसाइट का नेम amitphotoframe.com/cpanel, एंट्री करेंगे और जो आपने आईडी पासवर्ड अभी बनाया था अपना वहाँ पे वर्डप्रेस का, उसको आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और लॉगिन करेंगे। ये सीधा आप अपने सी पैनल के अंदर एंट्री कर गए। अब इसके अंदर हमारा अगला स्टेप आता है सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम इसको ड्रैग करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस दिखाई दे रहा है, वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, इसमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोटोकॉल चेंज करेंगे, http://www. डोमेन नेम सेम रखेंगे जो रखा है, wp यहाँ से हटा देंगे, और आपका ये यहाँ पे बनाएंगे एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड। ये एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड क्या है आपका, ये आपके वर्डप्रेस के बैकेंड पार्ट डैशबोर्ड में एंट्री करने का यूजर नेम पासवर्ड है, इसका बड़े ध्यान से बनाना, उसको लिख के रखना। ये हमने बना लिया, यहाँ पर मेरा आईडी डाल दी और इंस्टॉल कर दिया, और यहाँ पे ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल
हो रहा है और यहाँ इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर देखिए तो आपको दो लिंक शो करेगा, ठीक है, एक आपका लिंक है आपकी वेबसाइट का और सेकंड लिंक है आपके डैशबोर्ड। इसको हम ओपन करेंगे दो टाइप्स में, ये आपका वेबसाइट का लुक आ गया, ये आपका वेबसाइट का बैकएंड का पार्ट आ गया। अब वेबसाइट के बैकएंड के पार्ट में एंट्री करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आपने वहां से सी पैनल से एंट्री कर लिया। सेकंड मेथड है आप नए ब्रोशर में टाइप करेंगे अपनी वेबसाइट का नेम amitphotoframe.com, एंटर मारेंगे, ये तो आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन हो गया। बट अगर आप टाइप करेंगे amitphotoframe.com/ या abc.com/admin, एंटर करेंगे तो ये आपसे मांगेगा वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड। ये वो यूजर नेम पासवर्ड जो आपको मैंने कहा था, ध्यान रखिएगा, ध्यान से बनाइएगा, ये आपके वर्डप्रेस में एंट्री करने के काम आएगा। इसको आपने टाइप किया, लॉगिन करा और आपके इसके डैशबोर्ड में एंट्री कर गए। सेकंड तरीका आपका ये है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर थीम डालनी होगी। अपीयरेंस में गए, थीम्स में गए, ऐड न्यू पे क्लिक करा, थीम का नेम डाला, थीम का नेम डालेंगे एस्ट्रा ASTRA, ये आपकी थीम आ गई। इसको पहले करेंगे इंस्टॉल और फिर करेंगे इसको एक्टिवेट, ये आपकी थीम लग गई। सेकंड पार्ट आ रहा था प्लगइन डालने का, प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करेंगे एस्ट्रा स्टार्टर साइट्स, ये आपके प्लगइन का नेम है, ये का सपोर्टिंग प्लगइन है, ये आपका प्लगइन आ गया। इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये आपका प्लगइन आ गया। राइट, प्लगइन के अंदर एक पार्ट है सी लाइब्रेरी, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर फ्री वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपकी सारी फ्री थीम्स आ गई। ये रेडीमेड वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके प्रोफेशनल हिसाब से अकॉर्डिंग सही बैठती है, आप उस वाली थीम को इसके अंदर प्रीव्यू करके इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि सपोज करो हमारे डोमेन का नेम है अमित फोटो फ्रेम्स, अमित फोटो फ्रेम एक आर्ट गैलरी के हिसाब से नेम है, तो उस पर हमने एक थीम लेंगे ग्रैंड गैलरिया, ये थीम, डिटेल में प्रीव्यू क्लिक करेंगे, ये थीम का लुक है और यहां पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल ऑल प्लगइन्स, इंपोर्ट दिस साइट, ओके एंड डन व्यू फॉर साइट। ये आपकी साइट हमारे, आप देखिए अमित फोटोग्राम डोमेन के ऊपर ये साइट पूरी पूरी सेम टू सेम आ गई है, यानी कि हमने पूरी की पूरी साइट का एक स्ट्रक्चर अपना रेडीमेड ले लिया है। अब जितने भी पेजेस हैं आप इसमें जाके देख सकते हैं जो उसके अंदर सेम आपकी साइट पे आ गए हैं। अब आपको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं बैठ कर ओपन करेंगे आपको सेम साइट दिखाई देगी। ये आपका ब्लॉग वाला पार्ट है, हम इसके ऊपर वीडियो बनाकर डालेंगे ब्लॉगिंग के ऊपर, अभी ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग का रोल क्या है। ओके, हम आते हैं होम पेज पे। अब इसके अंदर आपको जिस पेज के ऊपर ये एडिटिंग करनी है उस पेज को ओपन करके ऊपर जाके यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करके आप इसमें इजीली एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे क्लिक करा, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जहाँ पे हम पूरा एक पेज क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज कि हमें इस वाले पार्ट पे एडिटिंग करनी है, इस पर क्लिक करा और जो भी अगर टाइप एडिट करना है उसको और टाइप कर दिया और ये हमारा इजीली यहाँ पे चेंज हो गया। सेकंड पार्ट पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका बैकएंड का पार्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए, देखिए पूरा हट गया। इसमें डालेंगे वेलकम टू आवर साइट, आपका अगला पार्ट है ओपन आवर्स, वीकडेज में 8 to 8 PM। अगर मेरे को टाइमिंग चेंज करनी है तो मैं करूँगा 10 to 8 PM एवरी डे एंड ट्यूजडे ऑफ। इसी तरह आपको किसी पार्ट में हटाना है, डिलीट करना है, उस पर आप क्लिक करके इजीली उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पार्ट है और इसके अंदर आपको किसी भी कोडिंग की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। सपोज करो आपको कोई नया पार्ट बटन के साथ ऐड करना है, आप ये सेक्शन लाएंगे, ड्रैग करेंगे, टाइप करेंगे, ये आपका टाइपिंग हो गया, पूरा नंबर यहाँ पे फीड हो गया। आपको उसका कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है तो आप जाएंगे स्टाइल में, यहाँ पे कलर पे जाएंगे, देखिए इजीली कलर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा इसका आपको साइज कम ज़्यादा करना है तो टाइपोग्राफी में जाएंगे, साइज छोटा बड़ा कर लेंगे, ये आपका साइज सेट हो गया। इसका स्टाइल फॉन्ट का वो भी इजीली चेंज कर सकते हैं आप, अगर आपको कुछ भी पार्ट एनीथिंग एज चेंज करना है कर सकते हैं। सपोज करो आपको इमेज चेंज करनी है, इमेज पे क्लिक करा, मीडिया एरिया में गए, जो भी आपको इमेज चेंज पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट मीडिया करेंगे, ये आपकी इमेज चेंज हो गई। अगर आपको कोई इमेज बाहर से लेकर आनी है तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर इमेज पे क्लिक करा, अपलोड फाइल पे करा, सेलेक्ट फाइल्स, जहाँ भी आपकी फाइलें रखी हुई हैं वहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें ओपन कर लेंगे, ये आपका फाइल आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट मीडिया देखिए, इजीली यहाँ पे आपका इमेज भी चेंज हो गई। तो इस तरह आप पूरे पार्ट में कहीं पे भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स है, बहुत इजी स्टेप्स है, बहुत अच्छा प्लगइन है, बहुत अच्छा आपका पेज बिल्डर है एलिमेंटोर। बटन पे आपने देखो आराम से टेक्स्ट चेंज कर लिया। आपको सपोज करो अलग से कोई अपना कुछ पार्ट ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, एक भी कोई सेक्शन उठाएंगे, जो भी आपको टाइप करना है टाइप करेंगे, अमित फोटो फ्रेम, इसको आप इजीली सेंटर में कर सकते हैं, नीचे आके अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये सेंटर में हो गया। कलर चेंज करने स्टाइल में गए, टाइप कलर्स में गए, ब्लैक करा और इसको टाइप कर जाके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई बैकग्राउंड में इमेज डालनी है तो बैकग्राउंड में जाएंगे, कलर पर जाएंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अगर आपको कलर के अलावा इसके अंदर कोई इमेज डालनी है तो इमेज पे क्लिक करेंगे, कोई भी इमेज ड्रैग करेंगे और इंसर्ट मीडिया करेंगे, देखिए इमेज आ गई इसके ऊपर। एलिमेंटर के बारे में खुल के आपको प्रॉपर तरीके से एक इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें जाके पूरा एलिमेंटर सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नया पेज अगर आपको बनाना कैसे बनाएंगे, या पेज आपको जो रेडीमेड पेजेस उनको चेंज करना हो, नाम चेंज करना कैसे चेंज करेंगे। देखो हम पेज पे गए, यहाँ पे क्लिक करा, अबाउट म्यूजियम एडिट करा। अगर हमें इस पेज का नाम चेंज करना है तो सिंपल इजीली नाम हटा देंगे, अबाउट अस कर देंगे और अपडेट। जाके चेक करते हैं ऑल पेजेस में, देखो नाम चेंज हुआ नहीं हुआ, देखिए अबाउट म्यूजियम का चेंज होके अबाउट अस हो गया। अगर हमें नया पेज ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, पेज का नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे, जैसे सर्विस हमने एक नया पेज ऐड करना है, पब्लिश करा और ये हमारा नया पेज ऐड हो गया। बट ये पेज अभी हमारी वेबसाइट के फ्रंट पे नहीं आया है, ये अभी बैकएंड में है। अगर आपको कुछ पेजेस नहीं चाहिए तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट हो गए तो आपको वो पेज, अगर सपोज कीजिए आपके मेन्यू में ऐड करना था, अपीयरेंस में गए, मेन्यू में गए, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा सर्विस वाला पार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे, ये आपका पेज आराम से आपके मेन्यू में ऐड हो गया। अब अगर आपको पेज की सीक्वेंस चेंज करनी है तो इजीली पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप आप ऊपर नीचे करके पेज की सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सब मेन्यू बनाना है तो ईजिली आप उस पार्ट को उठा के थोड़ा साइड में कर देंगे तो ये आपका सब मेन्यू में आ जाएगा। और इसको हम सेव मेन्यू कर देंगे, ये देखिए ये सब मेन्यू आ गया और पेज की सीक्वेंस आपकी आगे पीछे होकर चेंज हो गई है। तो इस तरह आप एक वेबसाइट पूरे आराम से बना सकते हैं और ये आपका पेज बनाने का तरीका था जो आपको बताया है, आप इजीली एक पेज ही बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके थीम के हेडर पार्ट को चेंज करने की। जैसे कि सपोज कि हमें लोगो चेंज करना है तो हम ऊपर जाके कस्टमाइज में क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपका बैकएंड का पार्ट ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ये पेंसिल निशान है, जहाँ पे भी क्लिक करेंगे उस वाले पार्ट का एड वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। चेंज लोगो पे क्लिक करा, सपोज कि वो चेंज करके येलो लोगो लगाना है, सेलेक्ट करा, ये आपका स्किप रोपिंग करा और ये लोगो आ गया। चेंज इमेज इस पर क्लिक करा और ये आपका चेंज, ये देखिए आपका लोगो ईजिली चेंज हो गया। यहाँ से नीचे लोगो विथ को आप ड्रैगन ड्रॉप करके इसकी विथ भी छोटी बड़ी कर सकते हैं इजीली, ये आपका लोगो चेंज हो गया। अगर आप अब आते हैं फुटर वाले पार्ट में, सपोज करो फुटर वाले पार्ट में आपको कॉपीराइट वाला पार्ट चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे और कॉपीराइट करंट ईयर साइट टाइटल, देखो साइट टाइटल की बात करें तो हमें इसके टाइटल वाले पार्ट में जाके इसका टाइटल चेंज करना होगा, जहाँ से ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा।
लोगो वाले पार्ट में गए, ये देखा आप टाइटल है, यहाँ में डाला है अमित फोटो फ्रेम, ये डालेंगे आपका टाइटल का नहीं, ये देखिए नीचे आके टाइटल बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया। तो ये आपका वेबसाइट का पेज चेंज करने का और उसका हेडर फुटर चेंज करने का पार्ट भी आपका कस्टमाइज आके हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो के अंदर हमने पूरा एक वेबसाइट को डोमेन होस्टिंग बुक करके वेबसाइट को ऑनलाइन करना सीख लिया है। कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट या किसी भी बिजनेस को लेकर आप वेबसाइट इजीली इस पे बना सकते हैं, इजीली आप इसको लाइव कर सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे एलिमेंटर के बारे में, एलिमेंटर पे कैसे काम करते हैं, इसमें काफ़ी डीप लेवल पे एलिमेंटर काफ़ी बड़ा पार्ट है, एलिमेंटर एक्चुअली में एक पेज बिल्डर है, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे उसको कैसे यूज़ करना है। और उसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के बोल सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स।